मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा में भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका है। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में हिंदू विरोधी बयान देते हुए हिंदुओं को हिंसक कहा था, जिसके विरोध में देश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर आज केला परिसर स्थित भाजपा कार्यालय से नारेबाजी करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य केला गेट पहुंचे और राहुल गांधी का पुतला दहन किया। भाजपा युवा जिला मंत्री विवेक तिवारी ने कहा कि हिंदुओं के विरुद्ध गलत बयानबाजी करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। राहुल गांधी नहीं जानते कि हिंदू में कितना सेवा और समर्पण का भाव है। राहुल गांधी देश के 120 करोड़ हिंदुओं से माफी मांगे। साथ ही विवेक तिवारी ने कहा कि अगर राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आए तो भाजपा युवा मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी उनके मुंह पर काली पोतने का काम करेगी। पुतला दहन करा है, किस चीज़ को लेकर पुतला दहन किया है और किसका किया है? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए और अपने परिवार की परंपरा को बरकरार रखते हुए उन्होंने हिंदुत्व की अस्मिता पर सवाल उठाए हैं, उनके उन पर लाछन लगाने का काम किया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बड़े ही पूरे प्रदेश में आक्रोश के साथ राहुल गांधी का पुतला जलाया, क्योंकि राहुल गांधी नहीं जानते कि हिंदू धर्म कितना कृतज्ञ है, कितना उदारवादी है, कितना हिंदू धर्म में सेवा और समर्पण का भाव है, क्योंकि राहुल गांधी का डीएनए पे अभी भी संशय है कि राहुल गांधी में किस प्रकार का डीएनए है। आज हमने पूरे प्रदेश भर में ये विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी से हम यही कहना चाहेंगे कि 120 करोड़ जो इस देश के हिंदू है वो लोकसभा में खड़े होकर उनसे माफी मांगे, नहीं तो इस प्रकार के पुतले लगातार पूरे देश में उनके जलते रहेंगे। आगामी क्या आंदोलन की कार्य योजना है युवा मोर्चा की? जिस प्रकार से हमें प्रदेश संगठन से निर्देश आगे भी प्राप्त होते रहेंगे और राहुल गांधी यदि इस क्षेत्र में इस मध्य प्रदेश की धरती पे आए तो उनके मुंह पर काली पोतने का काम भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता करेंगे। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट।